देवल। हम जानना चाहेंगे किस विषय में आप लोग उपलब्ध हुए यहाँ पर। हम लोग हमेशा ही हर साल यहाँ पे नया साल मनाते हैं और हमें हमारी महिलाओं को इतनी खुशी होती है यहाँ आके कि जैसे कि हम हमारा जीवन सार्थक हो गया। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स भी नहीं हैं और पेरेंट्स होना क्या होता है ये हम इस माध्यम से जान पाते हैं कि हमें उनका सम्मान करना चाहिए क्योंकि पेरेंट्स ही हैं जो हमें आगे ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं और इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम समाज के प्रति भी हमारा कुछ दायित्व है कि हम समाज के लोगों को बच्चों को समझें। कोई भी यदि कोई इंसान है छोटे बच्चे हैं या लड़कियां भी हैं तो कई लोग ये भी कहते हैं कि हम इन बच्चों को अपने घर ले जाएं इनको प्यार से पालें तो इन बच्चों के प्रति भी हम सबका हमारे पूरे समाज का दायित्व बनता है। और मैं ये कहना चाहूँगी जब तक कहते हैं ना मैं माचिस की डिब्बी के समान हूँ यदि माचिस की डिब्बी है यदि इसमें तिल्लियाँ ना हो तो वो बेकार है। इसी तरह से जब तक मेरी टीम ना हो तो मैं सिर्फ एक माचिस की डिब्बी के समान हूँ। ये सारी महिलाएं हैं मेरे साथ जुड़ी हैं और मन से काम करती हैं अपने हाथों से बना के लेके आती हैं चीज़ें और मैं यदि तैयार नहीं भी होती हूँ कभी कभी व्यस्त होती हूँ तो कहती हैं नहीं दीदी आप चलिए और हमें बहुत अच्छा लगता है बच्चों से मिलके। तो मैडम कितने वर्षों से आपकी टीम ये काम कर रही है? लगभग 10 साल हो गए हमें यहाँ आते हुए। हाँ बाटू वो तो करता है मैम बताइए क्या नाम है आपका बेटा ये छिप जाएगा नीचे नीचे बैठो बैठो। हाँ मैम क्या नाम है आपका? मेरा गीता देवल। हम जानना चाहेंगे आप लोग किस विषय में यहाँ पर उपलब्ध हुए। हम लोग हमेशा की तरह हर साल आते हैं नया साल मनाने और हमें बहुत अच्छा लगता है। सारी महिलाएं इतनी खुश होती हैं इन सब बच्चों से मिलके और हम ये संदेश भी देना चाहते हैं पूरे समाज को कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए क्योंकि माता पिता ही हैं ये हमारे जो हमें उठा।